गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? हैशटैग स्वाति फैम मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। एंड चलो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू करूंगी। ये प्रोडक्ट है ब्लू हेवन का सॉफ्ट काजल। ये है ब्लू हेवन का काजल जिसको हम एज अ काजल लगा सकते हैं और एज अ आईलाइनर भी लगा सकते हैं। ये है ब्लू कलर में, आप देख ही सकते हो ये ब्लू कलर में। आज मैं इस प्रोडक्ट का आपके साथ रिव्यू भी करूंगी प्लस डेमो भी करके दिखाऊंगी। एंड आप देख सकते हो मैंने अपने आईज के ऊपर कुछ मेकअप नहीं लगाया हुआ, कुछ भी नहीं किया हुआ, तो आज मैं इसके साथ ही अपना आई मेकअप करूंगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रांड के बारे में बता दूं। ब्लू हेवन एक इंडियन ब्रांड है, इसका बहुत कुछ आता है, फाउंडेशन वगैरह सब कुछ आता है। ब्लू हेवन की लिपस्टिक्स वगैरह भी आती है। मैंने काफी कुछ ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स का इन्होंने रिव्यू भी किया हुआ है, तो आज मैं इस काजल का रिव्यू करूंगी। मेरे पास ब्लू हेवन का कोई भी काजल वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले इन्होंने, आप पैकेजिंग देख ही सकते हो, इसकी पैकेजिंग जैसे बाकी सारे काजल्स की पैकेजिंग आती है बिल्कुल वैसे पैकेजिंग है। ये ट्रांसपेरेंट यहाँ पे दिया हुआ, आप इसका देख सकते हो और बहुत आराम से आप इसके इनो कलर को देख के जज कर सकते हो कि ये ब्लू कलर में है। इसके ऊपर इन्होंने लिखा क्या हुआ, ये सॉफ्ट काजल है, आईलाइनर है। एक और डिफरेंट चीज मुझे लगी विथ शार्पनर। अब भैया इस पेंसिल में इसको कहाँ पे इसका शार्पनर है, हम इसको जब खोलेंगे तब इसका देखेंगे शार्पनर कहाँ पे इसका। लॉन्ग लास्टिंग है, काफी लंबे समय तक चलेगा, इंटेंस कलर है, कलर बहुत अच्छा आएगा इसका, स्मज प्रूफ है एंड वाटर प्रूफ है, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फटाफट से मैं आपको इसकी प्राइसिंग बता दूँ। ये है 125 रुपीज का प्रोडक्ट है। मैंने इसको नायका से खरीदा था, तो उस समय इसके ऊपर कोई भी डिस्काउंट नहीं चल रहा था, तो मुझे 125 में ही ये खरीदना पड़ा। एंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है अप्रैल 2018 में, एक्सपायर करेगा अप्रैल 2021 में, तो आपको 3 साल इसके मिल जाएंगे यूज करने के लिए। वेल एंड गुड। और क्वांटिटी इसकी लिखी हुई 0.31 ग्राम इसकी क्वांटिटी लिखी हुई है। और इंग्रेडिएंट्स वगैरह कहीं पे भी मेंशन नहीं किए हुए, इंग्रेडिएंट्स इसके कहीं पे भी मेंशन नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ें इन्होंने लिखी हैं जो मैं आपको इन्हों पढ़ के सुना देती हूँ। एक तो इन्होंने लिखा है कि लॉन्ग वेयरिंग काजल, ये वो सब कुछ लिखा है। स्मूथ एप्लीकेशन होगी और आपने लगाना कैसे है काजल वो तो अब मैं आपको करके ही दिखा दूंगी डेमो में। उसके बाद इन्होंने लिखा करते, आप देख सकते हो इसका ब्लू कलर है। हमें देखो इसके ऊपर क्या लिखा है, इसके ऊपर लिखा है क्वांटिटी लिखी हुई है आपको, एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट इसके ऊपर कहीं नहीं लिखी हुई। तो अगर आप इसको फेंक दोगे, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट नहीं पता लगेगी। बट एक छोटी सी ट्रिक है यार, आप इसको ना छोटे से ब्लैक मार्कर के साथ आप इन्हों यहाँ पे लिख लेना कि इतनी डेट को एक्सपायर करेगा, तो आपको इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि डियर जो चीज़ें आप आईज में लगाते हो, तो मैं तो आपको प्रेफर यही बोलूँगी कि प्लीज़ उसके एक्सपायरी डेट देख के ही लगाया करो, कई बार आईज में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके एक्सपायरी डेट आप यहाँ पे लिख लेना। चलो फटाफट से इसको मैं खोलती हूँ। अच्छा, दिस इज़ द शॉर्पनर, ये इसका शॉर्पनर है। ये बहुत यूनिक चीज़ है, वेरी डिफरेंट थिंग। ये देखो आप इसका ये शॉर्पनर दिया, ये काम कितना करता है ये पता नहीं। नीचे से आपका ऐसे है, ठीक है, तो ये यहाँ से खुल जाएगा। तो डियर अगर मैं ट्रैवल फ्रेंडली की बात करूँ तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंटैक्ट है, जब मैं खींचूंगी तभी ये बाहर आएगा, अदरवाइज ये नहीं बाहर आता, दोनों चीज़ें टाइट है। आप इसको बहुत आराम से अपने साथ ही ना ट्रैवल पे, अपने कॉलेज में, ऑफिस में अपने साथ ही ना लेके जा सकते हो। कई बार अगर आपका लाइनर काजल लाइट हो जाए तो आप इसको दोबारा अप्लाई करने के लिए, ट्रैवल फ्रेंडली है बहुत आराम से। अब मैं आपको इसकी क्वांटिटी दिखा दूँ पहले, तो आप देख सकते हो जितनी क्वांटिटी है ना, अच्छी खासी इन्होंने क्वांटिटी दी हुई है। एंड अब चलो इसका कलर देखते हैं। अब देख सकते हो इसका कलर, एंड वन स्वाइप में इसका कलर आता है, वो तो मैंने 2-3 बार इसको इसलिए किया जस्ट टू नो कि कौन सा ब्लू शेड है। तो डियर ये मुझे ना ये जो इसकी ऊपर वाली दी हुई है इसके साथ मैच नहीं करता ब्लू कलर, जैसे ये दिया हो ना थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं इसको, रॉयल ब्लू कलर बोलूँ, ये रॉयल ब्लू कलर नहीं लगता, ये थोड़ा सा पिकॉक ब्लू या स्काई ब्लू में बोल लो इसको, आप बताओ मुझे ये लग रहा है इसके साथ मैच हो रहा है? ये थोड़ा सा डिफरेंट ब्लू का टोन आता है, क्योंकि ब्लू में बहुत सारे टोन आते हैं। अगर आप देख सकते हो तो आज मैंने भी एक ब्लू कलर डाला है, स्काई ब्लू डाला है, ये पिकॉक ब्लू कलर है। तो चलो ये तो मैंने लगा लिया, वन स्वाइप में इसने ये वाला कलर दिया है, एंड मुझे कलर अच्छा लगा, डिफरेंट सा कलर है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक काजल है तो उसका रॉयल ब्लू कलर है, तो ये थोड़ा डिफरेंट कलर हो गया। ये भी आपकी किट में होना चाहिए कलर। थोड़ा सा मैं इसको ड्राई होने दूंगी, उसके बाद मैं इसको स्मज करूंगी काजल को, उसी समय लगा के स्मज मत किया करो, सेटल डाउन होने दिया करो, उसके बाद इसका स्मज का पता लगता है। एंड आप देख सकते हो ये स्मज नहीं करता, वाओ 125 रुपीज में आपको ये चीज मिल रही है, वेरी गुड। आप देख सकते हो ये स्मज नहीं करता, ये अपनी जगह पे ही है। पानी डाल के दिखाती हूँ मैं आपको।
आप देख सकते हो मैंने पानी डाल लिया एंड पानी डालने के बाद ये भी अपनी जगह पे नहीं हिलेगा क्योंकि डियर ऑब्वियस ये वैक्स फॉर्म है तो वैक्स कभी भी पानी डालने से हिलती नहीं है। तो ये स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है एंड वन स्वाइप में इसका यू नो कलर आ गया और तो ये बिल्कुल पास हो गया ये वाला प्रोडक्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग है। ऑब्वियस अगर ये स्मज नहीं किया तो ये लॉन्ग लास्टिंग ही होगा काजल, ये तो यहीं से कॉमन सेंस होगी। तो मैं आपको फटाफट से अपना आईज के ऊपर आई मेकअप इसके साथ यू नो करके दिखाऊंगी। अपर वाटर यहाँ मैं एज अ लाइनर लगाऊंगी, लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन, तो सब जगह मैं आपको फटाफट से आपको ये कर लगा। आपने देख लिया कि मैंने अपना यू नो लाइनर एंड काजल इसके साथ अप्लाई कर लिया एंड ये बहुत इजीली अप्लाई हो गया, बहुत यू नो सॉफ्ट सा काजल है, बिल्कुल भी आपका यू नो स्मज नहीं करेगा। आप देख सकते हो मैंने अभी तक इसको लगाया और ये स्मज नहीं कर रहा। मेरी तरह से आप इसको जरूर खरीदो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट, 125 रुपीज का। इसमें ग्रीन और ब्लैक कलर भी आपको मिल जाएगा। तो जो भी इस प्रोडक्ट के यू नो परचेज लिंक्स होंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो अब अगर आपने इस काजल को शॉप करना है तो आपने इसको ऐसे डालना है एंड जस्ट आप देखो ये शॉप हो जाएगा एंड थोड़ा सा यू नो पॉइंटेड सा बन जाएगा, राइट तो ये भी एक वर्थी सी चीज़ है, बहुत यूजफुल चीज़ लगी। आप देखो अभी ये कितनी पॉइंटेड सी हो चुकी है, देखो ये पॉइंटेड होगी एंड जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हो समटाइम्स विंग लाइनर के लिए तब कर सकते हो, अदरवाइज आपकी अपनी मर्जी है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, हेल्पफुल लगी, आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सबके साथ शेयर कर सकते हो। सो टिल देन बाय।